नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं आपके साथ ज्योति शुक्ला। बात करेंगे टिकटॉक की। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो इसे लोग ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नया मामला सामने आया है जिसमें टिकटॉक ने एक पति को उसकी पत्नी से 3 साल के बाद मिलवा दिया है। जी हाँ, 3 साल पहले लापता हुआ एक पति टिकटॉक में दिखा, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। दरअसल मामला तमिलनाडु का है, जहां घर से नाराज होकर एक पति घर छोड़कर चला गया था। 3 साल से वो लापता था, जिसे लेकर उसकी पत्नी काफ़ी परेशान थी। उसने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन पति का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन 3 साल बाद जब वो टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करने लगा, तब पत्नी के रिश्तेदार ने देखा और पत्नी को जाकर खबर दी, जिसके बाद पुलिस में जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। तो ये देखने वाली मामला है कि टिकटॉक, जहां एक तरफ उसे बैन कर दिया गया था, ये कहा जा रहा था कि टिकटॉक से काफ़ी अश्लीलता फैलती है, बहुत सारी आलोचनाओं से घिरा रहने वाला टिकटॉक आज एक घर को बचा लिया। और इस घर को बचाने के बाद टिकटॉक जो है वो एक तरह से अपना नाम जो है वो अच्छा कर रहा है। टिकटॉक के ज़रिए लोगों को ढूंढा गया, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि टिकटॉक से लोग अक्सर वीडियोज़ डालते हैं और पॉपुलैरिटी के लिए, फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मामला जो आया, उससे पति को घर वापस लौटाने में पत्नी की मदद किया। बता दें कि घर से नाराज़ होकर वो गया था, जिसके बाद वो एक ट्रांसजेंडर के साथ रह रहा था। ट्रांसजेंडर के साथ उसके संबंध भी थे, वो वीडियोस ट्रांसजेंडर के साथ ही बनाकर पोस्ट करता था, जिसके बाद टिकटॉक पर उसे देखने के बाद उसे घर वापस लाया गया है। तो टिकटॉक के इस मामले में एक तरह से एक फैमिली को बचा लिया और एक तरह से लापता व्यक्ति को खोजने में काफ़ी मदद भी कर दिया। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 111। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।